आगे बढ़ते हैं, कंट्रीज दैट वे आर नॉट डेमोक्रेटिक, जो देश अभी लोकतांत्रिक नहीं थे अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, अभी वो लोकतांत्रिक बनना शुरू हो गए हैं। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, बड़े बड़े लोग, जाने पहचाने लोग, नामचिन लोग सब लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज युवराज इसलिए नहीं है क्योंकि वो भी एक दो दिन में ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करा रहे हैं, तब तक वो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे और फिर उनका भी वीडियो ठीक हो जाएगा, वो हमारी सुरीली आवाज़ पियोनियों वाली जो आती थी या करके वो नहीं आएगी, तो कितना सुंदर हो जाएगा। चले ठीक है, ऑल ग्रेट पीपल्स हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, जो बड़े या नामचिन लोग या जिनके बारे में हम पढ़े जैसे गांधी जी, नेल्सन मंडेला, ये सब जो है लोकतंत्र के बारे में अच्छा बोले हैं। इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, डू वी नीड टू डिबेट दिस, क्या है आइए पता करते हैं क्या वाकई में डेमोक्रेसी इतना अच्छा है। ठीक है कि गांधी जी ने पैसे खा के बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं है, आइए देखते हैं, इस पर डिबेट करते हैं। बट लिंडो मैडम हैड सेड वी शुड डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, क्यों, लेकिन लिंडो मैडम ने ऐसा कहा था कि हमें कोई चीज़ को ऐसे ही नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग उसे जानते हैं। ठीक है, बिकॉज एवरी वन एल्स एक्सेप्टेड, ये सोच के नहीं, अब मान लीजिए सब लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि पबजी बहुत अच्छा, पबजी फेमस है, ये है वो है, उसके चक्कर में आप भी खेलने लगो सुबह शाम शाम को फिर रात को सोते सोते ठीक है, खाना जितना नहीं खाएं उतना दिरदिरा के रहते होंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, वाकई में पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये देख करके ये सब वो फेमस है। ठीक है, अभी एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लें, अल्कोहल बहुत फेमस है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें, हम भी पीना शुरू कर दें। ठीक है, एक ग्लास में भर के हम भी बैठे रहे, उसके बाद क्लास के समय बोले बच्चों चीयर्स, इसका भी पीना शुरू कर दें, पढ़ाएं आप लोगों को, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फेमस है, इसका मतलब उसमें कमाई अच्छी होती है, इसका मतलब हम उसको पीना शुरू कर दें, नहीं। ठीक है, सब लोग, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे घरों में जो है शाम को पप्पा जी बोतल में बर्फ डाल करके बैठे रहते हैं, ठीक है, पीते हैं। अब उसका ये मतलब थोड़ी ना कि सभी लोग उसको एंजॉय करने लगे, सभी लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, नहीं पापा चीयर्स हम भी पियेंगे, ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं चल सकता है, नहीं। ठीक है, कोई चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ फेमस है इसका ये मतलब नहीं कि वो सही ही हो या अच्छी हो। ठीक है, तो समथिंग हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो फेमस है। अनुभव जी वीडियो में हमें लगता है क्या प्रॉब्लम हो गई, अच्छा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई, फिर आया हूँ, चलिए ठीक है, फिर हम इसलिए किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो फेमस है। अनुभव जी आप वीडियो मत ऑन करें, हमारे हिसाब से आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट ऑडियो तो पहुंचता रहे। ठीक है, अनुभव आवाज आ रही है आपको, अनुभव से यस और नो, अच्छा अनुभव वीडियो ऑन किए, अच्छा गुड, आगे बात करते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो यस इट इज़ एक्चुअली इन इज़ अ रॉन्ग पाथ, व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री, कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, हमें लोकतंत्र ने क्या दिया है, 7 decades ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ नो सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री, 7 दशक हो गए हैं, 70 साल हो चुके हैं लोक, अरे यार तो उनका बीजेपी का वो आ गया, डायलॉग आ गया, 70 साल हो गए हैं राज करते करते, लोकतंत्र चल रहा है, उसके बाद भी कैसे, कहाँ गई गरीबी, कहाँ गई गरीब हैं आज लोग, क्यों, क्योंकि लोकतंत्र, लोकतंत्र होने के बाद गरीबी खत्म हो जानी चाहिए ना, गरीबी समाप्त हो जानी चाहिए, क्यों है गरीबी, काहे है गरीबी। ठीक है, इन्होंने होल्ड करिए जरा, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर ड्रीवन का कहना है, देखिए अब ये डिबेट शुरू हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ डेमोक्रेसी अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी खराब है, अब अच्छी है खराब इस पर और बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात हुई कि बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट, डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक एंड डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बींग आर डेमोक्रेसी, क्या है, कह रहे हैं कि उससे लोकतंत्र का क्या लेना देना, दूसरों ने कहा कि लोकतंत्र का क्या लेना देना, क्या गरीबी इसी वजह से कि लोकतंत्र है, क्या जहाँ पे और कहीं जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है क्या वहाँ पे गरीबी नहीं है,
या गरीबी तभी आई जब लोकतंत्र आया कि उसके पहले से थी, ये कई सवाल पूछे गए. वॉट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इन ऑल अबाउट गोज इन स्टेबिलिटी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी. पॉलिटिशियन फाइट अमंग देमसेल्फ, हु केयर फॉर द कंट्री. कह रहे हैं कि क्यों, फिर लोकतंत्र सबसे बेस्ट थोड़ी ना है भाई. करप्शन ऐसा नहीं, करप्शन खत्म हो गया है, करप्शन है नहीं, करप्शन आज भी है, करप्ट लोग अभी भी उपलब्ध हैं, करप्शन होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं रहती गवर्नमेंट में, ठीक है, नेता आपस में लड़ते रहते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है, कोई देश के लिए चिंता करता ही नहीं है, तो लोकतंत्र का क्या फ़ायदा है, क्या लोकतंत्र बेस्ट थोड़ी ना है. फिर सो वॉट शुड वी हैव इंस्टेड गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इन्वाइट सम किंग टू रूल दिस कंट्री. तो फिर क्या करें, फिर अंग्रेजों को बुला दें, कहते भैया नहीं, अब हम गुलामी वाली हमें पसंद आ गया है, वो बड़ा टेस्ट अच्छा है गुलामी का, ठीक है आओ फिर से रूल करो, फिर से हम जी हुजूर करेंगे, या तो फिर किसी एक राजा को बिठा देते हैं वो राज करें. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आई थिंक वॉट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर. मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता है, समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट, जिसको इलेक्शन की और पार्लियामेंट की चिंता ना करनी पड़े. वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर, एक ऐसा नेता जिसके पास सभी पावर हो, सब कुछ करने की क्षमता हो. ही शुड बी एबल टू वॉट एवर इज नीडेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, वो कुछ करे जो कुछ देश के लिए हितकारी है, देश के लिए ज़रूरी है. द अलोन कैन रिमूव द करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री. वही एक पावरफुल नेता है जो कि देश की गरीबी और भुखमरी और ये जो करप्शन है, घूसखोरी, वो ख़त्म करेगा. तो पीछे से आवाज़ आती, बैकग्राउंड नॉइज आती है, दिस इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप, इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं. फिर याद आया डिक्टेटरशिप, तो भाई वो हिटलर ने भी किया था डिक्टेटरशिप, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी किया था, वो तो छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाले थे भाई, 5-5, 10-10 साल के बच्चों को मरवाया था हिटलर ने. उनसे पूछा था, उनको देखते थे, नस्ल देखते थे, कौन से नस्ल के, ये बच्चा दिख रहा है जर्मन की तरह दिख रहा है, गोरा है, ठीक है चलो यू आर एक्सेप्टेड, और नहीं दिख रहा है दूसरी तरह है तो यू आर डिनाइड. और उसको गैस चैम्बर में ले जा करके उसे गैस सुंघा के मार डालते थे, जहरीली गैस, और बोलते थे प्योरिटी सेंटर है, वहाँ पे प्योरीफाई किया जा रहा है, वहाँ वो घड़ी डिटर्जेंट वो भगवान ने लगा के रखा है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर निर्मा सब एक साथ मिक्स होकर सबका साफ सफाया कर रहे हैं, ठीक है चलिए. तो वो भी तो भाई डिक्टेटर ही था ना, वो तो अपने आप को दिखा रहा था कि हाँ एक पावरफुल लीडर है और अपने देश का विकास कर रहा है. हुई वॉट इफ द पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल द पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. क्या होगा अगर एक अकेले हम नेता को पावर दें और अपनी पावर का इस्तेमाल अपने परिवार वालों के लिए, अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए करना लगे. वॉट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, या खुद वो घूसखोर हो जाए. आई एम स्पीकिंग ओनली फॉर ऑफ द ओनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्गर लीडर. मैं एक ऐसे नेता की बात कर रही हूँ वो स्ट्रॉन्ग लीडर हो, जो कि ईमानदार हो, किसी तरह से करप्शन ना करता हो, किसी तरह की बेईमानी उसके पास ना हो, और ना वो बेईमानी करने की कोशिश करता हो, ठीक है, ये चीज़ें बताएगी. फिर तो बट दैट इज़ नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग रियल डेमोक्रेटिक विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप. ये तो सही नहीं है, आप जो लोकतंत्र है सही में उसको आप कंपेयर कर रहे हो आइडियल सिचुएशन में, ठीक है. अब आप यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में किसने पढ़ा है, फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड किसे उसे पता है, अनुभव बताएं. अनुभव जी यस सर, यूनिफॉर्म स्पीड पता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है. आप बाइक से घर से निकल रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ठीक है,
तो पापा ऐसा थोड़ी नहीं कहते हैं कि वहाँ पे टिक 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 मोबाइल उठाया उसे टिक 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 कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमें अपने बेटी को छोड़ने जाना है तो 1 घंटे के अंदर मैं फटाफट स्कूल पहुंच जाऊंगा, तो उसमें फिक्स कर दिया। अब गाड़ी 25 के नीचे आ ही नहीं रही, तो फिर पता चला गड्ढा आ रहा, तभी भाग वो एक एक आपने फिल्म भी देखी जंपिंग कार करके, तो उसमें उछलते रहते हैं लोग, ठीक है, तो वो जंपिंग बाइक बन जाएगी, ठीक है, तो गड्ढा भी आ रहा, तो उसके बाद पता चला पापा उछल के इतने ऊपर गए, फिर नीचे आके बैठे, ठीक है। फिर वो कोई आ रहा है सड़क में, रास्ते में एक बूढ़ा आदमी साइकिल से क्रॉस कर रहा है, तो हम 25 किलोमीटर की रास्ता में जाके धड़ाक से मारे, बूढ़ा गिरा, इधर उधर स्कूल जाते जाते अस्पताल पहुँच गए। पॉसिबल है? नहीं, एक फिक्स स्पीड में आप मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको रोड की सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। इवन दो अगर ट्रैफिक ना हो तभी भी नहीं चल सकते भाई, ट्रेन पर कौन सा ट्रैफिक होता है, ट्रैक में कहता है ट्रैफिक नहीं रहता, क्या तभी भी एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेन चल पाती? नहीं चल पाती। रेलवे स्टेशन आ रहा, उसके पहले रुकना पड़ता है, पता चला कहीं पटरी कमज़ोर है तो वहाँ धीरे चलता है, जहाँ पटरी अच्छी है ठीक ठाक वहाँ भगा के चलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में चलना एक आइडियल सिचुएशन वो हो नहीं सकता, जो चीज़ पॉसिबल नहीं उसे आइडियल सिचुएशन कहते हैं। वैसे ही एक ईमानदार नेता, एक जो है करप्शन ना करने वाला नेता, वो नेता मिलना एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही उसने बोला कि हाँ आप एक डेमोक्रेसी को एक आइडियल सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। मैडम, अब मैडम आ गई फिर से, मैडम लिंगडो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट, वो इस पूरे बातचीत को सुन रही थी ध्यानपूर्वक। नाउ सी स्टेप्ड इन, उसके बाद बीच में फिर वो जाकर बोली, ठीक है, आई वॉज डिलाइट टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई आपको इस तरह से बहस करते हुए देख कर। हमारे घर में तो नहीं देखता, हमारे घर में सब चिल्ला देते हैं, बहस कर रहे हो, पढ़ना लिखना नहीं है, हमारा काम बस खाली बहस करना है, ऐसा करके चिल्ला देते हैं। टीचर ऐसी होनी चाहिए, बताओ खुश हो गई बहस कर रहे हैं। आई डोंट नो हु इज़ राइट, मुझे नहीं पता है कौन सही है, एंड हु इज़ रॉन्ग, कौन गलत है, ठीक है, दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, बट आई डिड फील that you all wanted to speak your mind, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन अपने मन में जो है वो आपको बोलना चाहिए। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राइड टू स्टॉप यू और इफ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट, आपको बहुत बुरा लगता है अगर क्या कहते हैं आपको कुछ बोलने से कोई रोक दे, या फिर आप कुछ बोलें उसके वजह से आपको पनिशमेंट मिल जाए, आपको गलत पनिशमेंट मिल जाए, ठीक है, ठीक है। What would you be able to do that is a country that is not democratic? Is that a good argument for a democracy? Can I would be able to do that is a country that is not democratic? क्या आप ये डिबेट जो यहाँ कर रहे हो क्या किसी अलोकतांत्रिक देश में आप कर सकते हो, यही बहस आप कर सकते हो? नहीं, आपके जो मन में हो आप बोलने में भी दिक्कत है। आपको पता है एक अभी रिसेंट इंसिडेंट है, एक फेमस क्रिकेटर हैं आकाश चोपड़ा, वो अभी कमेंट्री भी करते हैं, वो आईपीएल हुआ था यूएई में लास्ट ईयर यूएई में आईपीएल हुआ था, एक मिनट बता रहा हूँ। हेलो, नंबर नहीं गया, अरे उठाएंगे यार, वहाँ फोन चला, मीटिंग चल रही है। हेलो, यस सर जी, फिर क्या है कि
आगे बात करते हैं, तो क्या हुआ, डिलाइट हो गया, उसके बाद मैंने बताया आपको जैसे आकाश चोपड़ा के बारे में बात कर रहे थे, तो वो वहाँ गए थे अबू धाबी करके, यूएई में अबू धाबी गए थे, वहाँ गए थे, उनको कमेंट्री करना था वहाँ जाकर, ठीक है। तो वहाँ गए, उसके बाद वहाँ पे एक नियम था कि आप कम से कम 12 घंटे पहले एक आरटीपीसीआर का टेस्ट कोरोना नेगेटिव करा के तब आएँ, तब आपको एंट्री करने दिया जाएगा। वहाँ गए, उसके बाद वहाँ के ऑफिसर्स ने वापस भेज दिया, कहा नहीं आपको नहीं जाने देंगे, कहे नहीं जाना है, कहे नहीं जाने देंगे, कहे उसने उनने वो दिखाया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाए, सब कुछ दिखाया, परमिट तक दिखाया, लेकिन नहीं, नो आर्ग्यूमेंट, वापस कर दिया गया। अभी वही लोकतांत्रिक देश हो तो लोग धरना देने पर बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक राजा का शासन है, तो आप वहाँ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि रातों रात नियम बदले जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ के न्यूज़पेपर्स, चाइना के न्यूज़पेपर्स में अलाउड नहीं है कि चाइना के खिलाफ कोई भी चीज़ आप छाप सकते हैं, अगर आपने छापा तो उसके खिलाफ आपको एक्शन कर दिया जाए, आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो समझ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप ये डिबेट कर रहे हैं, क्या ये डिबेट आप एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में करना पॉसिबल था, ये बताया जा रहा है, ऑगमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं, लोकतंत्र में खामियां नहीं, लोकतंत्र में खामियां हैं, अगर खामियां ना होती ना, तो जो आज बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पूंजीपति बने हुए हैं, बहुत बड़ा पैसा लिए हुए हैं, ठीक है, दस्ट फॉर्चूनर से चलते हैं, ऐसा ना होता। क्यों? क्योंकि जो जो लीडर्स हैं उनको विदाउट एनी पे, विदाउट एनी रुपीज या पैसे के क्या काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्लियर, ने अपने आप को जनसेवक बोला है ना। चलिए, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या आर्गुमेंट है, दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट दैट वी राउटेनली हियर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। जो कन्वर्सेशन ऊपर हुआ उसमें ज़्यादातर जो आर्गुमेंट थे उसको कवर अप किया गया है। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गुमेंट, आइए कुछ आर्गुमेंट को देखते हैं। लीडर कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, नेता बदलते रहते हैं डेमोक्रेसी में, दिस लीड इन स्टेबिलिटी, क्या होता है इससे स्टेबिलिटी नहीं आती, पता चला कि जो नया लीडर आया वो पिछले लीडर की कमी गिना रहे हैं। आज भी देखो पीएम मोदी को लास्ट 70 साल से नहीं हुआ, 60 साल से नहीं हुआ, 65 साल से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे भैया अब आप आ गए हैं, अब आपको देखना है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप हर बार यही चीज़ कह के नहीं कि हाँ पीछे नहीं हुआ तो हम क्या करें, ठीक है, ये नहीं कर सकते, तो ये एक प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम। दूसरा, डेमोक्रेसी इन ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, लोग ईमानदारी छोड़ देते हैं, कोई मोरल वैल्यूज का मतलब ही नहीं, सब अब कम पैसों का खेल है, कंपटीशन है, बस इसी का ध्यान रहता है, लोग ये नहीं ध्यान देते कि हाँ उसमें लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, हम मोरल कहाँ जा रहा है, लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एनी हाउ इलेक्शन जीतना है। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, डैट इज लीड्स टू अ डिले। अब ये भी एक कारण है भाई, अगर अगर हम अकेले मालिक हैं देश के तो हम कोई भी फैसला लेना होगा अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं तो वही फैसला लेने के लिए हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अब वो मीटिंग होगी, उसमें सारे लोग आएंगे, डिस्कशन होगा, बिल पारित होगा, तब वो फैसला लागू होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉल कंपटीशन, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्शन से आते हैं, तो उससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है, क्यों, लोगों को पैसा बांट करके, पैसे दे करके वोट खरीदे जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स अ बैड डिसीजन, क्या है, अब इसे क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, रामविलास पासवान जी की बात करें, अब वो लीडर किसके बने हुए, वो लीडर बने हुए हैं जो सप्रेस क्लासेस थी उनके, ठीक है, बट वो तो प्रोवोक हो गए, वो तो आगे बढ़ गए, वो तो बहुत बड़े लीडर बन गए, आज उनके पास बहुत सारा पैसा रुपया है, सब कुछ है, ठीक है, उनके बेटे भी लीडर हो गए, उनके भाई भी लीडर हो गए, सब कोई लीडर हो गया, लेकिन वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन उनके आसपास के गांव के लोग में जो प्रॉब्लम थी, क्या उसको आज वो दूर किए, नहीं किए, ठीक है, वो अपना डेवलपमेंट देख लिए, लेकिन जो लोग जिन जिस वजह से वो जाकर के सभा में जुड़े थे, क्या वो उस तकलीफ को दूर करने के लिए कोई काम किए, नहीं किए, ठीक है। और लास्टली अभी एक SC ST Act अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कुछ खास चीज़ें उनने की, ठीक है, वो भी इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे थे जिसमें सप्रेस क्लासेस के साथ बदसलूकी की जा रही थी, दैट्स वाई,
ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा रहा था इस वजह से किया, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ खास ऐसा कुछ चेंज करने की कोशिश की है। अब जो कंडीशन है वो चेंज करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने की भी है। अब उसमें आप देख सकते हैं जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें, ठीक है, उन्हीं ने सप्रेस क्लासेस के बारे में मुद्दा उठाया, बातें उठाई, सब कुछ किया। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर करप्शन की बात करिए, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वॉट इज़ गुड फॉर देम व्हेन दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम इंसान को पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, वो शांतिपूर्ण तरीके से बस खाली यही देखता है कि बस हमें वोट देना है, वोट देके चला जाता है। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी डैट यू कैन थिंक ऑफ, क्या कुछ और डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्गूमेंट्स हैं जो आप सोच सकते हैं? विच ऑफ दीज आर्गूमेंट अप्लाइज मेनली ऑफ डेमोक्रेसी, जो आर्गूमेंट्स हैं अप्लाइज मेनली ऑफ टू द डेमोक्रेसी, ज़्यादातर जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात होती है। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी और तरह के गवर्नमेंट को मिस यूज़ किया जाता है वहाँ पर देखा जाता है, आप उनको देखिए। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, और किन में से इनमें से कौन से पॉइंट में आप एग्री करते हो, मानते हो कि हाँ ये सही है? ठीक है, फरमाया। Clearly, yes, democratic democracy is not a magical solution. ये साफ है कि जो लोकतंत्र है वो ऐसा नहीं है। हेलो जी, तो क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन, कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको सूंघ लिए सारे नेता स्वच्छ हो जाएंगे, ऐसा लोकतंत्र कुछ नहीं। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी, इसने गरीबी नहीं हटाई इन अवर कंट्री, अपने देश में। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। This is not guarantee that their decision will be good. लोकतंत्र सिर्फ ये दिखाता है कि जो लोग हैं वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो सही है। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग गलती कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज नॉट लीड डिले इन डिसीजंस मेकिंग, क्या है जो लोग इसमें डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या कर रहे हैं, देरी भी कर सकते हैं डिसीजन करने में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू डैट डेमोक्रेसी लीड टू अ फ्रीक्वेंट चेंजेज इन लीडरशिप, और ये भी सही है कि आज पता चला कि नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और लीडर आ सकता है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। समटाइम दिस कैन बी सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और मान लीजिए कोई पिछली सरकार अच्छा काम कुछ कर रही थी, एक बड़ा फैसला लेने वाली थी, नई सरकार आकर उसके फैसले निरस्त कर देती, उससे भी बड़ी दिक्कतें आती। दीज आर्गूमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ अ काइंड वीक सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस रियल लाइफ। द रियल क्वेश्चन वॉज वी फेस इज डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर गवर्नमेंट। देखिए ये सवाल नहीं कि डेमोक्रेसी कैसी है, डेमोक्रेसी खराब है या नहीं, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र जो है और बाकी तरह की जो सरकारें होती हैं क्या उनसे सही है वो, क्या उनसे ठीक है वो, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, समझ में आया? यस सर, यस सर। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए जो आर्गुमेंट्स आई उनको देखते हैं। चाइना फेमिन, क्या हुआ था, चाइना में भुखमरी आई थी इन 1958 to 61, वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन इन द वर्ल्ड, सबसे बुरा समय था विश्व में, सबसे ज़्यादा लोग मरे थे भूख से। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन, 3 करोड़ लोग मर गए भुखमरी से ड्यूरिंग दोज डेज। उस समय इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, और भारत की आर्थिक स्थिति चाइना से अच्छी नहीं थी, येट इंडिया है डिड नॉट हैव अ फैमिन ऑफ दैट काइंड इन चाइना, है उस तरह की भुखमरी नहीं है जिस तरह चाइना का था, क्योंकि चाइना में भुखमरी थी, लोग मर रहे थे, तो वहाँ पे वो पैसे बचा रहे थे, लोगों को नहीं बचा रहे थे, इसी कारण तो 1962 में वॉर घोषित कर दिए, इंडिया के ऊपर उन्होंने वॉर घोषित कर दिया ना, क्योंकि इंडिया एंगेज था लोगों की जान बचाने में, और वो एंगेज थे पैसा जुटाने में, कैसे हमें युद्ध करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करना है। तो इकोनॉमिक्स थिंक दैट
दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। और एक जो आर्थिक विचारक हैं उनका मानना है कि दो अलग अलग तरीके सरकार और उनकी पॉलिसी, उनके नियम कायदे कानून के कारण ही ये डिफरेंसेस पाए गए। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड सिक्योरिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। दे पॉइंट आउट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इफ चाइना टू हैज मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन सो मेनी पीपल मे हैव नॉट बीन डाइड इन फैमिली। क्या है कि दो अलग अलग तरह की सरकार, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार थी, दो अलग अलग पार्टियाँ थी, एक पार्टी सरकार में थी एक विपक्ष में थी, तो वो लोग सरकार को दबाव बनाए हुए थे कि वो लोगों की जान बचाए। अब चाइना में ऐसा नहीं था, ना वहाँ पे विपक्ष था, ना क्या कहते हैं वहाँ पे प्रेस जो था फ्री था, आज़ाद था, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मनमाना तौर पर जो भी करना चाहते थे वो वहाँ पर चाइना में कर रहे थे, लोग भूख से मर रहे थे। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट। इसीलिए मैं समझ में आता है लोकतंत्र क्योंकि सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जब लोग ही सरकार का चयन करते हैं तो लोगों की जान बचाना वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र की लोकतांत्रिक सरकार और किसी भी तरह की सरकार सबसे अच्छा है। ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल्स हु रूल। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हो सकता है लोगों के हितों के बारे में सोचे या ना सोचे, दो में से एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो रूलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द रूलर डोंट वॉन्ट टू दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल। अगर वो नहीं चाहेंगे लोगों के बारे में कुछ करना तो वो अपने मन से स्वेच्छा से ना करें, उसमें लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अ डेमोक्रेटिक रिक्वायर्स द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड ऑफ पीपल। लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की बात आपको सुनना ही पड़ेगा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें जवाबदेही ज़्यादा होती है इस तरह की सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में। इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू वर्ड्स द पीपल, दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेरिजन टू द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देर इज अनदर रीज़न, एक दूसरा कारण भी है वाई डेमोक्रेसी शुड लेड टू अ बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक दूसरा कारण है डेमोक्रेसी शुड लेड द बेटर डिसीजन, डेमोक्रेसी जो है वो सही फैसले लेती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलोकतांत्रिक सरकारों से अच्छे फैसले लेती है लोकतांत्रिक सरकार। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिसीजन। लोकतंत्र में हम लोग कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तब फैसला लेते हैं। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पीपल। एक लोकतांत्रिक फैसले में बहुत सारे लोग संयुक्त रूप से मिले हुए होते हैं। डिस्कशंस एंड मीटिंग्स, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग होती है, बातचीत होती है। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इफ एनी। तो जब कई सर एक साथ बैठ करके सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो उसमें जो खामियां हो सकती है उसको ज़रूर देखा जाएगा और निकाला जाएगा। दिस टेक्स टाइम बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ये समय लगता है इसमें, लेकिन समय लेना अच्छा होता है, क्योंकि जब बड़े फैसले लेने होते हैं तो समय ज़्यादा खर्च होने पे भी अगर बड़े फैसले लेना है तो हम अच्छे समय पर ले सकते हैं। समय ले लें लेकिन फैसला हो वो अच्छा हो। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इससे क्या होता है, गलत फैसले होने में कमी होती है और किसी तरह के इररिस्पॉन्सिबल फैसला नहीं आता। दस डेमोक्रेटिक इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेक डिसीजन मेकिंग। इसी लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फैसले लेना जो है वो सही तरीके से होता है और सही फैसले लिए जाते हैं। क्लियर अनुष्का? यस सर। दिस इज रिलेटेड टू यस सर। थर्ड आर्गुमेंट से मार्क कर दीजिए बुक में अपने। यस सर। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। होपफुली नेक्स्ट क्लास में अगर ज़रूरत पड़ेगी तब तक हो सकता है युवराज का भी इंटरनेट का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, तो इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे उस दिन। ठीक है, रीज़न ये है कि अब दो अलग अलग वीडियोस कंप्रेस करके उसके बाद अपलोड करने में बड़ा प्रॉब्लम करता है, लैपटॉप हैंग वैंग करने लगता है, इसी वजह से यहीं पर एंड अप कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और डाउट हो तो आप लोग भेज सकते हैं, और नहीं तो फिर संडे को डाउट सेशन रहेगा। ओके, गुड बाय। गुड बाय सर। बाय बाय।
गायत्री देवी जी। यस सर, हाँ ओके बाय बाय सर। बाय।